भाई हार्दिक पांड्या, अब भैया इतनी तगड़ी बेइज्जती करवा के सामने आ गए, तुमको बिल्कुल शर्म ना आई? अब भैया कहीं तुमको पानी न मिला रास्ते में? अब ससुरी वालों नलायको डूब मरो। अब क्या साबित करना चाह रहे हो भैया तुम? ये सूर्य कुमार और ये संजू सैमसन सुमन गिल, अब इनको टीम में खिला के क्या साबित करना चाह रहे हो? अब भैया इनको खिलाओगे तो कुछ ना होने जाने का। अब बताओ, लगातार 2 T20 मैच हार गए, वो भी वेस्ट इंडीज से। अब भैया एक ऐसी टीम से तुम मैच हार रहे हो जो कभी भी किसी से भी हार जाती है, और भैया तुम उससे हार रहे हो। अबे एकदम लुल कर दिया तुमने, काय के लिए करवा रहे हो भैया टीम इंडिया की इतनी बुरी बेइज्जती? अबे हम तो तुम पे भरोसा कर रहे थे भैया, हमने इसी चक्कर में कप्तानी छोड़ दी, और भैया तुमने ये हाल करवा दिया कि एकदम वेस्ट इंडीज वालों से एकदम तुम लुल होते जा रहे हो। अबे रोहित भाई, अबे तो हम थोड़ी लुल होते जा रहे भैया, अब देख लो तुम, एक काम तो हमारा परमानेंट रहता ही है, अब बल्लेबाजी में हम लुल हो गए तो गेंदबाजी में देख लो तुम 3 विकेट चटकाए। लेकिन भैया हमको ये समझ में ना आ रहा है, T20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्य कुमार, अब भैया ये काय के लिए एकदम लुल होते जा रहे हैं? और भैया वो IPL का खिलाड़ी सुमन गिल, और भैया इनका देख लो, अबे लोग कह रहे भैया उनको खिलाओ उनको खिलाओ, अरे ये तो एकदम झोला छाप है संजू भाई। अब संजू भाई क्या कर रहे हो तुम? अरे तुम्हारी वजह से हमारी तगड़ी बेइज्जती होती जा रही है। अब बताओ, बड़े बड़े खिलाड़ी हमारी खिंचाई करते हैं और तुम लोगों से कुछ होना जाना ना है? अब भैया तुमसे बढ़िया तो मैं जयसवाल को खिला लेता तो शायद आज हम जीत जाते। अरे पांड्या भाई देखो, ऐसा है, इतनी तगड़ी बेइज्जती नहीं करवाओ टीम इंडिया की, समझे? अब कप्तानी करने के मामले में धोनी के बाद तुम्हारा नाम आ रहा था चर्चाओं में। अब सब लोग कह रहे थे भैया धोनी भाई के बाद पांड्या, अब भैया हमारे जैसी कप्तानी न कर पाओगे बिल्कुल। अब देख लो एकदम लुल टीम लगी हाथ तो एकदम पाजामा फट गया। अब भैया हम तो लुल टीम को भी चैंपियन बना देते हैं, और भैया तुमसे एक वेस्ट इंडीज ने हराई जा रही हल्की सी। अब भैया तगड़ा खेल दिखाओ, इस तरीके से टीम इंडिया की बेइज्जती करवाने से काम न चलेगा, समझे? अब हमने भी कप्तानी करी है भैया, तुम्हारी तरह बेइज्जती न करवाई टीम इंडिया की। अब बताओ इनको क्यों खिला रहे हो टीम में, संजू सैमसन और ये सूर्य कुमार? अब भैया बुढ़ापा हो गया इनका, ये टीम में थोड़ी चल पाएंगे। अब नए लोंडे बैठे हुए हैं, जयसवाल को बैठाया तुमने, अब उसको खिलाओ भैया। और देख लो नया लोंडा तिलक वर्मा क्या बेहतरीन खेल के गया। अब भैया ये झोला छाप खिलाड़ियों को खिलाने से काम न चलेगा, समझे? हाँ धोनी भाई तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और भैया हम तो ये भी कहते हैं, पांड्या तो हमसे ये भी कह रहे थे कि कोहली भाई रोहित भाई तुम दोनों बैठ जाओ, हम अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को जिताएंगे। और इसके साथ वो भी कह रहा था झोला छाप खिलाड़ी सुमन गिल, अब भैया कहाँ गई तुम्हारी पावर और कहाँ गई तुम्हारी हेकड़ी? अब भैया हमको सब पता है तुम IPL के ही खिलाड़ी हो। अब पांड्या भाई ऐसे काम ना चलेगा, देखो भैया जब हम और रोहित टीम में होती है तो दबदबा अलग ही होता है, लेकिन भैया तुम लोगों ने तो एकदम लोल बना दिया है टीम इंडिया को। अबे बस करो बहुत हुआ। अबे भैया अब हम बता रहे हैं तुमको, देखो भैया नाम है हमारा सूर्या और काम करेंगे पूरिया। अबे 2 मैचों में लुल हो गए तो क्या हुआ, अब की बार देखना भैया, अब की बार अपनी सरकार ऐसा जलवा कर देंगे भैया, लुल बना देंगे वेस्ट इंडीज वालों को। बस इस बार हमको माफ कर दो, अगली बारी में देखना रोहित भाई। अबे धोनी भाई देख लेना भैया, ऐसा पजामा फाड़ेंगे वेस्ट इंडीज वालों का कि हवा ऑटोमेटिक निकलती रहे। हाँ सूर्या भाई तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अब भैया तुम्हारा जलवा होगा तो हम भी जलवा दिखाएंगे। अब हमको बस एक बार मौका और मिल जाए, फिर देखना भैया ऐसा कलमा पड़ेंगे वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों का, उनका अलजारी जोसेफ होल्डर फोल्डर, अबे सबको एकदम फॉर्मेट कर देंगे भैया, एकदम लुल बना देंगे सबको। अरे वो तो दिख रहा है भैया, तुम्हारी शक्लें दिख रही हैं लुल बनाने वाली। अबे 2-2 मैचों में लगातार लुल हो गए, अबे भैया खतरनाक खेलो, अरे ये 2 हार हुई हैं इनका बदला ले लो।